वेलकम टू ऑल इन वन वीक्स। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिवेल के क्वेश्चन आंसर को। तो ये जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जो फर्स्ट फाइट थी वो 1857 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसी रिवेल का फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में वो इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the demand of Rani Lakshmibai of Jhansi that was refused by the British? तो जो झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी क्या डिमांड थी, ठीक है, जो ब्रिटिश ने मना कर दिया। आंसर इज टू रिकग्नाइज हर एडॉप्टेशन एज दियर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। दिस डिमांड वॉज रिफ्यूज बाई द ब्रिटिश। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मेरे पति की मौत के बाद, उनकी डेथ के बाद, जो उनका गोद लिया हुआ पुत्र था वो ही इस किंगडम का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन ब्रिटिश ने इस डिमांड को मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वॉट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड इन टू द क्रिश्चियनिटी। तो देखिए यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने जो लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो चुके थे तो उनको बचाने के लिए उसने क्या क्या। तो आंसर इज In 1850, the British passed a new law to make conversion to Christianity easier. तो 1850 में ब्रिटिशर्स ने एक न्यू लॉ पास किया जिससे लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होने में आसानी होने लगी। This law allowed the Indians who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. तो इस लॉ ने ये अलाउ कर दिया कि जो लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हीं को उनके एंसेस्टर की, उनकी पूर्वजों की संपत्ति मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन इज वॉट ऑब्जेक्शन डिड दी सिपॉय हैव टू न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। तो वो क्या ऑब्जेक्शन से जो सिपाही थे, जो भी सिपाही थे, उन्होंने जो नए कारतूस आए हुए थे तो उन्होंने उसको यूज से मना कर दिया। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए, तो क्यों किया उन्होंने ये ऑब्जेक्शंस। आंसर इज द कार्टलेस वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काऊ एंड पिग। जो कारतूस था ना उसको ग्रीस किया गया था काऊ और पिग के फैट से। सेकेंड वन इज द सिपॉय हैड टू यूज माउथ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द कार्टिजेस। तो जो सिपाही थे उनको कारतूस के कवर को मुँह से खोलना पड़ता था। दे टर्म द कार्टिजेस टू वी आर वलटेशंस ऑफ द रिलीजियन सेंटीमेंट। तो जैसे कि उसमें सिपाही में काफ़ी सारे हिंदू भी थे ना, तो उनके धर्म परिवर्तन, उनके जो धर्म था वो, उनका धर्म जो है वो खंडित हो जाता था। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि हम ये जो है कारतूस यूज नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने अपना आखिरी टाइम जो है वो कैसे जिया, ठीक है। तो आंसर इज लास्ट मुगल एम्परर स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इन अ जेल ऑफ रंगून अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। तो जो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे, उनको उन्होंने अपना जो आखिरी टाइम है वो रंगून की जेल में बिताया अपनी वाइफ के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन इज What could be the reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before 1857? तो 1857 से पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि हम सब इंडिया में आसानी से राज कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से वो काफ़ी कॉन्फिडेंस थे, काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंशियल थे, ठीक है। तो आंसर इज ब्रिटिश वर कॉन्फिडेंट अबाउट दियर पोजिशन इन इंडिया एंड दियर मिलिट्री स्ट्रेंथ बिकॉज द इंडियन सोल्जर वर लॉयल एंड फेथफुल टू देम। मैनी जमींदार्स एंड किंग वर सपोर्टिव ऑफ द ब्रिटिश बिफोर 1857 द रियट एंड रिविलियन डैट डिड अकर वर लोकलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंड क्विकली सुप्रेस्ड बाई द ब्रिटिश। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो इंडियंस थे ना वो मिलिट्री में शामिल हो रहे थे, और वो काफ़ी भरोसे के लायक थे, वो लॉयल थे, वो फेथफुल थे, वफादार थे। और काफ़ी सारे जमींदार जो थे ना वो भी लालच में आकर उनकी हेल्प करने लगे, और जो किंग हैं वो भी उनकी मदद करने लगे। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, हम यहाँ पर आसानी से राज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जाफर सपोर्ट टू रेवेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज़। तो यहाँ पे देखिए बहादुर शाह जफर ने जब सपोर्ट किया रेवेलियन और उनकी फैमिलीज़ पर, जो फैमिली रूल कर रही थी, बहुत सारे राजा थे जो विद्रोह करना चाह रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ,
तो बहादुर शाह जफर ने उनका साथ दिया, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? आंसर इज बूस्टेड द मोरल ऑफ द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। तो इससे जो है लोगों का जो स्टेमिना है, वो मोरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया कि हाँ हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। दे बिकम यूनाइटेड टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड द डेविल स्पिरिट। और अब उनके पास दोगुनी ताकत थी कि वो ब्रिटिश के साथ, वो ब्रिटिश के खिलाफ मिलकर लड़ सकते हैं इकट्ठा होकर। पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस रोज अप इन रेवेलियन एंड रेल्ड अराउंड लोकल लीडर्स जमींदार एंड चीफ नाना साहेब एंड चीफ। तो यहाँ पे देखिए, जो लोकल टाउन्स के जो लोग थे, जनता थी, उन सभी ने जो है, जो जमींदार थे, जो चीफ थे, उनके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। नाना साहेब हु लिव्ड नियर कानपुर, नाना साहब जो कानपुर में रहते थे, प्रोक्लेम हिमसेल पेशवा, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। इन झांसी रानी लक्ष्मी बाई ज्वाइन द रिवेल सिपॉय फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ टाटिया टोपे एंड नाना साहेब। और रानी लक्ष्मी बाई ने भी इस रिवेल में ज्वाइन किया अपने सिपाहियों के साथ, और उनके साथ टाटिया टोपे और नाना साहेब भी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन द सबमिशन ऑफ रिवेल लैंड ओनर ऑफ द अवध। तो जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो कैसे सफल हो सके, ठीक है, लैंड ओनर को अपने कब्जे में लेने के लिए, मतलब उनको अपने काबू में करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ब्रिटिश प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट टू द लैंड ओनर्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने जो लैंड ओनर थे उनको कुछ पावर दे दी कि आपको हाँ ये राइट है, आप इन पे अत्याचार कर सकते हैं, इनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं। सो उन्हें कुछ पावर मिले तो जमींदार लोग काफ़ी खुश हो गए। दे वर एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स, ठीक है, दे वर रिवार्डेड। और जब भी वो ज़्यादा टैक्स देते थे गवर्नमेंट को इकट्ठा करके वहाँ से, तो उनको वो रिवॉर्ड भी देते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिवेलियन ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपनी पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस किए, वो क्या थे? आंसर इज अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1858 पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो यहाँ पे देखो, ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया मीन्स जो लंदन की जो रानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, वो उनके अंडर में आ गया वो, ठीक है। तो 1858 के बाद ना जो पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो ब्रिटिश क्राउन को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर अपॉइंटेड फॉर गवर्नर एंड गवर्नर जनरल वॉज गिवन टू द टाइटल ऑफ वायसराय। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको गवर्नर की उपाधि दे दी गई, और जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की उपाधि दे दी गई, ठीक है। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू बी असिस्टेड बाई अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके अंदर 15 काउंसिल मेंबर वर्क करते थे। इट वॉज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, वो केवल एक सपोर्ट करते थे इनका, कि उनसे सजेशंस लेके अपना फैसला सुनाते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल वॉज आंसरेबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए हैं वो सभी लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट। और कमेंट में बताइए आपको और कौन से चैप्टर के वीडियोज़ चाहिए, और आप सभी के एग्जाम भी होने वाले होंगे। सो फ्रेंड, ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सबके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।